मॉड्यूल ट्वेंटी सिक्स डिफरेंस बिटवीन सुसाइडल आइडिएशन एंड सो वेन वी टॉक अबाउट द सुसाइडल अटैम्प्ट सुसाइडल आइडिएशन सो वी नीड टू बी अंडरस्टैंड वन थिंग सुसाइडल आइडिएशन के अंदर सिर्फ आइडियाज हैं सिर्फ थाट्स हैं ठीक है और जो अटैम्प्ट है उसके अंदर एक शख्स जो है या एक अडोलसन जो है वो अटैम्प्ट करेगा थ्रू यूजिंग डिफरेंट मीन ठीक तो दैट इज़ बेसिक एंड मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू तो अगर अब हम इसको थोड़ा सा मज़ीद फर्दर समझने की अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो जो सुसाइडल अटैम्प्ट है उसमें पेशेंट हैज़ अ सुसाइडल प्लान यानी मैंने किस वक्त कहाँ जाना है किधर से क्या चीज़ उठानी है कैसे उठानी है कैसे करना है ये सारा उसके दिमाग के अंदर चल रहा होगा मिसाल के तौर पर अगर उसने अपने आप को हैंग करना है तो उसके पास एक पूरा प्लान होगा कि सुबह के वक्त जब सब सो रहे होते हैं मैं अपने कमरे में अकेला होता हूँ उस वक़्त मैं कमरा बंद करूँगा और फिर मैं दुपट्टे से या रोब से जिससे भी अपना सुसाइड करना चाहता है वो वो उसको पता होगा और वो चीज़ और वो मीन उसके पास होगी कि अच्छा इस रोब से या इस दुपट्टे से मैंने सुसाइड अटैम्प्ट करनी है ठीक है उसके पास वो पूरा प्लान होगा फिर मैंने जो पंखा है उस तक मैंने कैसे पहुंचना है नीचे मैंने स्टूल रखना है या मैंने चेयर रखनी है और फिर उसके ऊपर वो खड़ा होगा और फिर वो उसको नोट डाउन करेगा और फिर नीचे से उसने उसको कैसे स्टूल को या चेयर को हटाना है ही और शी मस्ट अ कम्प्लीट प्लान लेकिन जो सुसाइडल आइडिएशन में है उसके अंदर जो पेशेंट uh, होता है या जो पर्सन होता है उसकी इंटेंशन नहीं होती सुसाइड करने की वो सिर्फ उस बारे में सोचता है कि इट वुड माइट बी बेटर और गुड इफ़ आई विल टेक माय ओन लाइफ इसी तरह जो अटैम्प्ट है उसमें जो लीथल मीन्स हैं यानी जो भी एक्ट आउट करने की चीज़ें हैं वो उस शख्स को एक्सेस होगी लेकिन जो आइडिएशन है उसके अंदर उसको एक्सेस नहीं होगी और उसने कोई ऐसी चीज़ अपने पास नहीं रखी होगी जिसके थ्रू वो अपनी ज़िंदगी जो है वो ले सकता है और उसकी जो सोसाइड अटैम्प्ट वाले की जो सोशल सपोर्ट सिस्टम होगा वो बहुत पुअर होगा और उसकी अपनी जजमेंट टूवर्ड्स द लाइफ भी जो है वो पुअर होगी और वो अपने आप को ना तो सेफ़ रख सकता है और ना ही वो किसी सेफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट में आएगा यानी इफ़ समन इज़ ट्राई टू री अश्योर दैट पर्सन के थिंग्स विल बी बेटर एंड लाइफ विल बी बेटर तो वो इन चीज़ों को जो है वो रिलाई नहीं करेगा जो कि सुसाइडल आइडिएशन वाले लोग हैं इनके काफ़ी हद तक जो सोशल सपोर्ट सिस्टम होता है वो भी बेहतर होता है और इनकी जजमेंट टू वर्ड्स द लाइफ भी जो है वो बेहतर होती है एंड दे हैव सम वेयर इन देयर हेड दे हैव द होप के माइट बी लाइफ विल बी गेट बेटर और अगर आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहें सेफ्टी का और इनको री कराएं कि थिंग्स विल बी गेटिंग बेटर और लाइफ विल बी गेटिंग बेटर तो ये काफ़ी हद तक उस सेफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ भी जाते हैं जो सुसाइड अटैम्प्ट करता है डेफिनेटली चूंकि वो सक्सेसफुल नहीं हुई होती इस वजह से उसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है और हॉस्पिटलाइज़ करने के बाद उसको अवेल्यूएट किया जाता है डिफरेंट साइकोटिक डिसऑर्डर्स के लिए और स्ट्रेस के लिए कि उसने ये अटैम्प्ट क्यों की और उसकी भी जो ट्रीटमेंट है वो एंटी डिप्रेशन के साथ इंडिविजुअल और फैमिली थेरेपी के साथ की जाती है जो सुसाइड आइडिएशन वाले हैं उनका वो जिस वक्त आते हैं कंप्लेंट्स के साथ और डेफिनेटली उनको एवेल्यूट किया जाता है साइकोटिक डिसऑर्डर्स के लिए और स्ट्रेस के लिए और जिस वक्त उनके वो साइकोटिक डिसऑर्डर और स्ट्रेस आइडेंटिफाई कर लिए जाते हैं तो उनको भी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दी जाती है इंडिविजुअल भी और फैमिली थेरेपी एज़ वेल एज़ उनको एंटी डिप्रेसेंट्स भी प्रस्क्राइब की जाती हैं इफ़ दे फाउंड के उनकी जो प्रॉब्लम है वो इस लेवल पे है कि उनको मेडिकेशन की ज़रूरत होगी